ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लोकसभा चुनावों में ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाने के लिए जिला प्रशासन हमीरपुर ने कमर कस ली है और इसी के चलते मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में हमीरपुर के नालंदा कॉलेज में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें SDM हमीरपुर शशिपाल नेगी ने शिरकत की और छात्रों को PVPAT बैलेट पेपर के अलावा मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी। लोकसभा चुनावों में ज्यादा से ज्यादा मतदान करवाने के लिए जिला प्रशासन हमीरपुर ने कमर कस ली है। इसी के चलते मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में हमीरपुर के नालंदा कॉलेज में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें SDM हमीरपुर शशिपाल नेगी ने शिरकत की और छात्रों को VVPAT बैलेट पेपर के अलावा मतदान प्रक्रिया की जानकारी दी। इस मौके पर चुनाव संबंधी क्विज प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें अव्वल रहने वाले छात्रों को इनाम भी दिए गए। टैटू कैंपेन के माध्यम से भी छात्रों को मतदान के प्रति प्रेरित किया गया। SDM शशिपाल नेगी ने बताया कि लोकसभा चुनावों के लिए जिला प्रशासन ने जगह जगह पर मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से कार्यक्रम चलाए हुए हैं और स्वीप अभियान के तहत ये जागरूकता फैलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि स्वीप अभियान के तहत छात्रों को मतदान के प्रति जागरूक करने के अलावा पूरी जानकारी भी प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि वोट करने के लिए टैटू लगाकर भी छात्रों को मतदान के संदेश दिए जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारे जो लोकसभा का चुनाव है जो हिमाचल में 19 मई को होना निश्चित हुआ है, तो उसके मद्देनज़र जो है जो हमारे मतदाता हैं, जनरल वोटर्स हैं चाहे स्पेशल वोटर्स हैं, उनकी जागरूकता के लिए जो है ये कैंपेन जो है स्वीप कैंपेन के अंतर्गत जो है विन एक्टिविटीज़ जो हैं अलग अलग जगह पर जो है वो हमीरपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है वो की जा रही हैं। आज नालंदा BEd कॉलेज जो एजुकेशन का है BEd कॉलेज है, वहाँ पे आज ये स्वीप कैंपेन रखा गया था, जिसमें कि क्विज कंपटीशन, बच्चों को जनरल अवेयरनेस और उनके लिए क्या क्या सुविधाएं होंगी, क्या फैसिलिटीज़ होंगी उस दिन मतदान केंद्र पे, और उसके अलावा जो टैटू कैंपेन है हमारा, ताकि इन बच्चों को अवेयर करवा सकें, और उसके साथ साथ जो EVMs और VVPATs की जो हैंड्स ऑन हैंडलिंग है, कैसे अपने मत का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी बच्चे हैं जो फर्स्ट टाइम जो है अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, ताकि उनके दिमाग में कोई क्वेश्चन ना रह जाए, कोई शंका ना हो, इसीलिए हमारी EVMs और VVPAT को भी यहाँ पे डेमोंस्ट्रेट किया गया, ताकि फुल फ्लैश तरीके से जो है इनको हम उसके प्रति इलेक्शंस के प्रति मोटिवेट कर पाएँ। और यहाँ पे बच्चों का उत्साह जो था वो देखने लायक था, जिस तरह से उन्होंने क्विज कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, और मुझे उम्मीद है कि इनके ज़रिए ये तो अपना 100% मतदान मताधिकार का उपयोग करेंगे, साथ में इन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि वो अपने परिवार में और अपने समाज में जाके जो है अपने लोगों को भी जो है वो उस दिन वोटिंग के लिए जो है वो प्रेरित करेंगे।